टीबी में एक टाइप ऑफ टीबी होता है जो आपका जान के लिए खतरा हो सकता है, जिसका नाम है एमडीआर और एक्सटीआर टीबी है। एमडीआर का मीनिंग है कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, और एक्सटीआर टीबी का मीनिंग है कि एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट। इसका मीनिंग है कि जो आपका जो मेन दवाई है जो नॉर्मली दिया जाता है टीबी के दौरान, वो दवाई आपको बॉडी में काम नहीं कर रहा है। इस केसेस में आपको अलग से दवाई मिल जाएगा, जिसका कारण एक ही है, जो आपका मेन दवाई वो काम नहीं कर रहा है। सो आपको जैसे मैंने बोला है, जो 9 महीने का थेरेपी मिल सकता है या 26 महीने का थेरेपी मिल सकता है, वो आपका प्रोफाइल के ऊपर आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा। बट अगर एमडीआर का होने का रीज़न अब पूछा जाएगा, 90% कारण है कि आप दवाई का लापरवाही करोगे। जब पहली बार आपको टीबी का डायग्नोस हुआ, उसमें कोई लापरवाही करोगे, इसी की वजह से आपको बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप होएगा, जिससे आपका जो बॉडी के अंदर कीटाणु है वो नॉर्मल दवाई से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। बाकी 10% केसेस हम ये भी देखते हैं जिसमें डायरेक्टली एमडीआर आ सकता है, वो काफ़ी अनफॉर्चुनेट होता है। उन कोर्सेस में हम अगर डायरेक्टली इलाज करेंगे वो जल्दी रिस्पॉन्ड भी कर जाएगा। बट अगर ये ही आप अगर लापरवाही की वजह से अगर एमडीआर डेवलप हुआ, आपका केस थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, जिसमें क्लोजली मॉनिटर थेरेपी देना पड़ेगा। इसलिए हम सारी पेशेंट्स को जिसको टीबी का डायग्नोस शुरुआत होता है, उसको हम रेगुलरली अपना फॉलोअप में रखता है। पेशेंट को अपफ्रंट हम बोलते हैं रेगुलरली दवाई लेना है, दवाई मिस नहीं करना है। गलती से आपको उल्टी हो गया, दवाई बाहर आ गया, फिर भी हम बोलते हैं एक और डोज उस दिन ले लो आप, सो दैट आपको रेजिस्टेंस पैदा होने का चांसेस हम खत्म कर रहे हैं। हम रखें आपका ख्याल।